वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो 81.55 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है स्टॉक। कल जो तेजी देखने को मिली थी उसी तेजी के साथ डाउनफॉल देखने को मिला है आज फिर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो देख सकिए, सबसे पहले हम लोग न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या रिगार्डिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो न्यूज की बात की जाए तो रिसेंटली कोई खास अपडेट नहीं है देख सकते रिगार्डिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। कल जो तेजी थी उसी तेजी के साथ डाउनफॉल देखने को मिला है। आज की बात की जाए तो देख सीधे स्टॉक जैसे ओपन और स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकडाउन दिया और गिरावट हो रही है, पर रिसेंटली नीचे भी जाता है तो 81-80 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी स्टॉक के लिए, क्योंकि ब्रेक करने के लिए काफी समय लगाया था स्टॉक ने उस लेवल के, तो उस लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस भी बने, रेजिस्टेंस लेने और ये सपोर्ट लेने के चांसेस बनेंगे। मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ की है, पी रेशियो अच्छा है 9 का है, डिविडेंड यील्ड 10% का। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने देख सकते 2.843% की तेजी देखने को मिले। वॉल्यूम की भी बात करेंगे हम लोग वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, तो 1.17 करोड़ का वॉल्यूम आज जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 9,600 लाख की है ट्रेडेड वैल्यू, तो बाइंग के लिए 35 लाख है तो पर सेलिंग के लिए 48 लाख। टोटली सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे देख सीधे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन की भी बात की जाए तो यहाँ पे 1.04 करोड़ में से 51 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिला के 48% क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो देख देखो ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यहाँ पे स्टॉक के अंदर तो आप लोग होल्ड करके पोजिशन रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए रिट्रेसमेंट होती है स्टॉक में 70 के तक आता है, 200 मूविंग एवरेज के करीब आता है, तो आप लोग वहाँ पे सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। पर रिसेंटली देख सकते स्टॉक ने कल जो तेजी देखने को मिली थी 3% से ज्यादा, पर उसी तेजी के साथ गिरावट होती जा रही है स्टॉक के अंदर आज। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए।